नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर ने 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। लता मंगेशकर को हर कोई उस दुखद स्थिति में याद कर रहा है कि अब वो हमारे साथ नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में। आपको बता दें कि सुमन कल्याणपुर भी बहुत बड़ी सिंगर हैं और उन्होंने भी कई गाने गाए हैं। लोग यहाँ तक बोलते थे कि सुमन की आवाज़ बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह है, लेकिन सुमन से जब लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, मेरी इतनी हिम्मत कैसे कि मैं उनके साथ किसी तरह का कंपैरिजन करूं। आज वो हमारे साथ नहीं है, इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा, इस बात की कमी हमें हमेशा खलेगी कि लता जी अब हमारे साथ नहीं है, अब हमारे लिए गाने तो नहीं गा पाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि सुमन ने लता जी को याद भी किया। उन्होंने बताया कि लोग मुझसे जब कहते थे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल लता जी की तरह है तो मुझे खुशी भी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि लता जी को मैं कैसे कम्पीट कर सकती हूँ, मैं कैसे लता मंगेशकर के बारे में ऐसा सोच सकती हूँ, उनसे कंपैरिजन होना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सुमन कल्याणपुर ने भी बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब लता जी से उनकी कंपैरिजन होती थी तब इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती थी कि नहीं, ऐसा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लता जी को बहुत मानते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन उनके जैसा गायन तो शायद ज़िंदगी में कोई नहीं कर पाएगा, उनको कम्पीट तो शायद कभी कोई नहीं कर पाएगा, उनके जैसा सिंगर इस दुनिया में ना है और ना ही कभी आगे आएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।